ये आतंक के समर्थक लोग थे, उन लोगों की ऐसी कमर तोड़ी है नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, कि सारे लोग अब अपनी जो मानसिक स्थिति उनकी डामाडोल हो चुकी है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आजकल समाचार आते हैं, आपके चैनलों पे भी, आपके अखबारों में भी, एक एक दिन छः छः लोग मारे जा रहे हैं, एक एक दिन आठ आठ लोग मारे जा रहे हैं, तो आतंकवादियों की कमर टूटी है। और ये जो गिदड़ भभकी है, इसका भारत सामना करने को तैयार है। आज हमें याद आ रहा है कि पिछले चार साढ़े चार वर्षों में हम लोगों ने, हमारी सेना ने ऐसे न्यूट्रलाइज करना शुरू किया कि जो गलत ढंग से सीमा पार भी कर रहे थे तो देश के किसी हिस्से में पहुंचने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, अब उनकी बारी है। अब ये गिदड़ भभकी जो संकट मोचन को उड़ाने की हमने भी सुनी, इस गिदड़ भभकी से न तो काशी डरने वाली है, न तो संकट मोचन के भक्त डरने वाले हैं। मुझे जैसे पता चला, मैं तुरंत संकट मोचन दर्शन करने आया हूँ। मैं यहीं का एक बच्चा, भले मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं उन सभी लोगों को जो ऐसी गिदड़ भभकियाँ और धमकियाँ देते हैं, ये काशी बाबा संकट मोचन बाबा विश्वनाथ की कृपा से सजी है। न जाने कितनी बार ऐसे लोगों ने कोशिशें की हैं, और इसी का नतीजा रहा कि आज बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे भी जा रहे हैं। और जो लोग देश में आतंकवादियों के समर्थक छुप के हैं, जो जा कर के पाकिस्तान में उनके समर्थकों से गले मिलते हैं, उन लोगों को भी अब चेत जाना चाहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करते हैं नेता, उनको भी चेत जाना चाहिए कि ऐसी गिदड़ भभकियों से अब देश और काशी नहीं डरने वाली है। काशी का एक बेटा, काशी का एक सांसद पूरी दुनिया में भारत का मान स्थापित कर रहा है, और ऐसी गिदड़ भभकियों से कोई डरने वाला नहीं।